जा रही है, फॉरेन गेस्ट भी आ रहे हैं, 8,000 से ज़्यादा अन्य गेस्ट भी आ रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया, आप दिल्ली पहुँचे हैं? देखिए, गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, मोदी जी को शुभकामना देते हैं, लेकिन देश की जनता ने मोदी जी को नहीं दिया था। अब भले ही अब लोगों को वो इकट्ठा करके अपना बना रहे हैं, बट देश की जनता नहीं चाहती कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जेडीयू फैक्टर और चंद्रबाबू नायडू फैक्टर, उस पर प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए अपनी सरकार में, क्योंकि वो इंक्लूड है अब एनडीए। देखिए, अब तो वो है, अब शाम को कल पता चलेगा। और अभी सबसे बड़ी बात है कि कुछ निकल के नहीं आ रहा। अब त्यागी जी का एक बयान मैंने देखा पटना एयरपोर्ट पे, मुझसे प्रेस वाले पूछ रहे थे कि उनको प्रधानमंत्री का पद ऑफर हुआ था तो किसने किया था और ये क्यों कहना पड़ रहा है त्यागी जी को। मतलब कहीं कहीं तो कुछ गड़बड़ लग रहा है कि जो विभाग वो चाहते हैं, जो डिपार्टमेंट चाह रहे हैं शायद नीतीश कुमार जी, वो उनको मिल नहीं रहा है। तो यानी आपकी जानकारी में सब कोई नहीं है कि ऑफर किया गया था जो किसी नहीं, मतलब मेरी जानकारी में तो नहीं है, अब तो त्यागी जी हैं इस पे बताएंगे। राहुल गांधी को एलओपी के तौर पर अब इंडिया गठबंधन जो है वो प्रस्तावित देख रहा है, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, उनको बनाना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए राहुल गांधी जी को। और विपक्ष को इनवाइट नहीं किया गया, विपक्ष का ये कहना है, शशि थरूर कह रहे हैं कि हम तो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे, हमें तो इनवाइट नहीं किया गया है। देखिए, इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है, मैं तो अभी आ रही हूँ कि किसको इनवाइट किया गया किसको नहीं। तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।